इसका भाड़ा पे करो पहले। कौन पे करे? आप करो। मैं क्या करूं? ऐसा थोड़ी होता है। इतनी सारी पब्लिक बैठी है, इनसे मैं पूछ करके गया था इनके ड्राइवर से, और ये कह रहे पूछे ही नहीं थे। बता रहे को तुम ढाबे पे जाओ, तुम जहाँ थे वहीं रुक जाते, मेरा काम भाड़ा कम लगता है ना, 350 रुपया लिया है उसने ऑटो वालों ने, तुम्हें मजाक लगता है सब कुछ। देखो ज़्यादा कानून मत छोड़ो, ठीक है ना, एप्लीकेशन डाल दूंगा, रह जाओगे जहाँ के तहें। सब्र कर रहा हूँ तो बस चुपचाप बैठे रहो, और ना देख लो भाई इस वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों यार, अभी मैं हूँ ना मोरी गेट पे, कश्मीरी गेट न्यू दिल्ली में, और मैं अभी खड़ा हूँ विकास ट्रैवल्स के ऑफिस पर, और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ यूपी, और मैंने टिकट ऑनलाइन निकाल ली थी बस की, तो टिकट भी मेरी कंफर्म हो चुकी है, तो मैं इंशाल्लाह यहाँ से अभी बैठूँगा। रिंग बस ये ऑनलाइन सर्विस है और ऑफलाइन भी है, इनके ऑफिस पे आकर आप ऑफलाइन भी टिकट निकाल सकते हैं और ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं अपने मोबाइल के ज़रिए। तो मेरी जो बस है ना वो DL 5190 करके है, तो उस बस वो बस यहाँ से 8 बजे मुझे बैठाएगी और बस्ती सुबह 6-6:30 बजे छोड़ देगी। निजामी ट्रैवल पहले ले तो लो मुझे एक बार, आप ही नहीं फिर आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। तो भैया आ गई हमारी बस, तो इस बस भर में आज हम ट्रैवल करने वाले हैं। ये है देखो DL 1P C5190, ये बस है हमारी, चलो बैठते हैं। बस स्लीपर नहीं है, ये पूरी सीटर है, 40 नंबर सीट है मेरी, 40 इधर है, पूरा पीछे कर दिया यार एकदम। दोस्तों देख सकते हो कुछ ऐसा ही बस है, पूरा खाली पड़ा है, अभी तक कोई और सवारी नहीं आई है इस बस में, अभी मैं तन्हा ही हूँ। और आप इस बस में, पूरी एसी बस है, और इसका जो ऑनलाइन चार्जेस था 338 रुपये, लेकिन कुल मिला जुला के मुझे मतलब 500 में पड़ गया। और हालांकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसे बुक करना है, लेकिन आप जब कभी भी अगर इससे जा रहे हैं ना, तो जिंग बस करके ऐप है एक, उसको डाउनलोड करें, आप उससे अगर बुक करेंगे तो आपका सस्ते में पड़ जाएगा। कि जब मैंने टिकट बुक कर लिया तो उसके बाद मुझे आइडिया आया था कि मतलब इस तरह से करना है। तो मेरी जो सीट है वो 40 नंबर की सीट है, और अभी तक कोई आया नहीं है, तो देखते हैं यहाँ से कितने बजे निकलेगी। वैसे टाइमिंग इसका तो 8 बजे का है। ड्राइवर साहब कितने बजे निकलोगे इधर से? 8 बजे। 8 बजे बस्ती कितने बजे पहुंच जाएगी? 8 बजे सुबह में। 8 बजे बस हमारी निकल चुकी है, अभी इसमें लगभग 2 ही सवारी आई है और कोई ज़्यादा है नहीं। तो बस कुछ दूर आने के बाद 2 सवारी और आई हैं, बाकी तीसरा मैं हूँ अभी, और कोई और सवारी नहीं, पूरी बस खाली पड़ी है। दोस्तों बस निकल चुकी है, धीरे धीरे चल रही है, और मैं बैग वगैरह रखने के चक्कर में दुआएं वगैरह नहीं पढ़ी, तो पढ़ लेता हूँ। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़र्निन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वअला आली सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम वअला आली सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम वअला आली सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कहाँ जाओगे भैया? बस्ती जाओगे? बस्ती तो मैं भी जाऊँगा। हाँ चलो, बस्ती के एक और साथी मिल गया। क्या नाम है भैया आपका? पंकज श्रीवास्तव। पंकज श्रीवास्तव भैया हैं, तो ये भी हमारे साथी हो गए। चलो मैं भी बस्ती जाऊंगा, हालांकि ये बस तो गोरखपुर तक जाएगी, लेकिन हम बस्ती हाईवे पर ही उतर जाएंगे। लगभग 15-20 मिनट हो गए बस को चले हुए, और अभी भी सिर्फ और सिर्फ 3 ही सवारी हैं, और बस्ती पहुंचाने के लिए ड्राइवर जो है वो 8 बजे कह रहा है, एक और दूसरा है वो 9:30 बजे कह रहा है। तो चलो कोई नहीं, देखते कितने बजे पहुँचती है बस्ती। गेटअप भी चेंज कर लिया है, क्योंकि एसी में थोड़ी ठंडी गंडे लगेगी, इसलिए थोड़ी गर्म कपड़े भी पहन लिए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जर्नी काफ़ी अच्छी होने वाली है। चलो, अचानक से दिल्ली आया था और अब अचानक से ही यहाँ से मतलब जाना हो रहा है, और एक ही दिन में दिल्ली को क्या एक्सप्लोर कर पाएंगे या दिल्ली के बारे में क्या जान पाएंगे। लेकिन चलो, बस एक ही दिन का मौका था, तो मैंने ये समझा कि लाल किला और जामा मस्जिद को ही देख लेते हैं, तो वही चीज़ें आपको भी दिखा पाया मैं। लेकिन चलो, इन फ्यूचर अगर कभी आना हुआ तो इंशाल्लाह यहाँ भी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो बस दौरा हो रहा है, जानकारी ले रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह डिटेल में पूरा घूमना फ्यूचर में ज़रूर होगा इंशाल्लाह। अभी एक सवारी और चढ़ी है,
चार हो गए हम बस में अभी। बाकी पता है क्या, मतलब इस ये जो रमज़ान से पहले ना काफ़ी लंबा लंबा सफ़र हो गया मेरा यार। मतलब देख रहा हूँ, कश्मीर से आया यूपी, फिर यूपी से मुंबई गया, मुंबई से फिर अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ से दिल्ली, अब दिल्ली से फिर मैं यूपी जा रहा हूँ, और यूपी से फिर मैं मुझे जाना है पता क्या, नागपुर जाना है वापस से महाराष्ट्र में। तो देखता हूँ 3-4 दिन के बाद फिर वहाँ से निकलना है मुझे यूपी से नागपुर के लिए। तो काफ़ी लंबा लंबा सफ़र हो गया, एक जगह पर कहीं ठहरना नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं, सब कुछ खुदा की मर्ज़ी है। तो गाड़ी को निकले हुए मोरी गेट से पूरे आधी घंटा हो चुके हैं। खाने के लिए मैंने कुछ लिया नहीं है, और सिर्फ पानी है मेरे पास बॉटल में, तो पानी वगैरह पी के हूँ अभी। चलो देखते हैं, अगर किसी ढाबे वाबे पर रुकेगी तो खा लूँगा, वरना कोई इतनी हाजत है नहीं। नेक्स्ट स्टॉप गाज़ियाबाद है, तो यहाँ से अब ये चल चुकी है, धीरे धीरे चल रही है। एक घंटा हो चुका दिल्ली से निकले हुए, और गाड़ी पहुँच चुकी है मेरठ एक्सप्रेसवे पर, तो चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों अभी 2 घंटे हो गए हमें पूरे दिल्ली से निकले हुए, और अभी हम चल रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर। तो यमुना एक्सप्रेसवे पर ही चल रहे हैं, और काफ़ी हर तरफ अंधेरा है, तो इस वजह से मैं बाहर के सीन आपको नहीं दिखा पा रहा। और अभी जो बस में हमें बस की तरफ से ये 10 रुपये का बॉटल है मिला हुआ है, पानी 10 रुपये का बॉटल, और पता नहीं और क्या सुविधा है बस के अंदर, तो मुझे मालूम नहीं है। चार्जिंग लगाने के लिए नीचे दिया है केबल लगाने का, अडेप्टर नहीं लग सकता, सिर्फ केबल ही लग जाएगा, चार्जिंग का भी तो सुविधा है। बाकी बस पूरी तरह से अभी भी पूरी खाली है, तो सोने वेने का कोई टेंशन नहीं है, पिछली सीट पे बैठा हूँ, इधर ही आराम से सो जाऊँगा इंशाल्लाह। मुझे नेट की ज़रूरत थी, मुझे पता नहीं था कि इसमें वाईफाई भी है, तो वाईफाई अभी मैंने चालू किया तो पकड़ा इस बस में, तो वाईफाई का भी सेवा इसमें आपको दिया गया है। तो मैं पासवर्ड अभी ड्राइवर से डलवा के लेके आ रहा हूँ, तो वाईफाई पकड़ लिया है भाई। पूरे 11 बजे पब्लिक अब कुछ आई है, अब बस में काफ़ी भीड़ हो रही है धीरे धीरे। भाई अभी बज चुके हैं 12:30, और आगरा के आसपास कहीं गाड़ी रुकी है खाने पीने के लिए, तो सारे लोग रुके हैं यहाँ पर, ढाबा है और आगरा का पेठा मशहूर है यहाँ पर, काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं, पेठा वगैरह बेच रही हैं। ये देखो लगी है बस हमारी इधर, काफ़ी कई सारी बस लगी हुई हैं, जो आप देख सकते हो इधर ढाबा है, और इस तरफ पेठा वगैरह काफ़ी मिल रहा है। धीरज भाई पूछने लगे यूट्यूबर हो, मैंने कहा हाँ भाई काम करता हूँ यूट्यूब पे, तो इन्होंने चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लिया, और ये राय बरेली के रहने वाले हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं अभी लखनऊ 4 बाग, गाड़ी रुकेगी वहाँ 2-4 मिनट के लिए, किसी को उतरना रहेगा तो उतरेंगे, और टाइम हो रखा है 5:30 मॉर्निंग के, सारे लोग अभी सो रहे हैं। सबसे पहले मैं उठाऊं। A few moments later। अरे यार भाई, मैं बस वाले से कहा ना कि टॉयलेट के जा रहा हूँ तो रुकोगे, तो उसने कहा कि हाँ रुकूंगा। अब वो यार मुझे यहाँ पर छोड़ करके चला गया, आगे बढ़ गया। अब वो 12 बंकी साई ढाबे पे रुका हुआ है, तो अब मैं इधर साई राम ढाबे पे ही रुका हुआ है यार। देखो जा रहा हूँ, पोपट कर दिया। बस तो मैं पहचानता हूँ, उसका कुछ होएगा नहीं, अगर इधर उधर हुआ तो पूरा मतलब पूरी नॉलेज है मुझे, और सारा डिटेल है बस के बारे में मुझे।
चलो कोई बात नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला हामी व नासिर है हमारा, हम सबका। इंसान के भरोसे नहीं है कोई चीज़। यार अच्छा खासा पॉपेट हो गया पूरा। बोला मुझे कि भाई जाओ, ये मतलब मैं रुक जाऊँगा जब तक। अब वो रुका ही नहीं, इतनी देरी में वो चला गया। हाँ भाई ड्राइवर साहब, क्या नाम है आपका? चलो भाई, हाँ हाँ शशि भाई साहब लेके चल रहे हैं, तो आप देख सकते हो ये। चलो यार मतलब हेल्प कर रहे हैं, भले ही पैसा लेके कर रहे हैं लेकिन कर तो रहे हैं भाई। लखनऊ पहुँचते यही सब होना था क्या? देख रहे हो। कितने मिनट पहुंचाने कह रहे भैया? कितना मिनट? 40 मिनट लग रहा है। अरे लखनऊ तेरी चाल। भाई लखनऊ से निकल चुके हैं, अभी हाईवे पे आ गए हैं। अब तो देखते हैं थोड़ा थोड़ा और रह के। बस वाला रुका भी नहीं यार, मतलब कि उसको कहीं और मतलब रोक दे। अब उसको एक ही ढाबे पे रुकना था, उसको ढाबे पर ही जाके रुक रहा है वो। ऑलरेडी उसे ढाबे पर रुकना ही था लोगों के नाश्ते पानी के लिए या रिफ्रेशमेंट के लिए। तो चल के अभी देखते हैं, खैरियत लेते हैं उनकी। भाई मैं जिंग बस वालों जो ऑनलाइन चलाते हो ना, मैं आप तमाम ही लोगों से गुजारिश करता हूँ कि देख लो, इस तरह का व्यवहार अगर आप कस्टमर से करोगे तो आपका बिल्कुल भी नुकसान होने वाला है। और मैं तमाम लोगों से ना, आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि जिंग बस वालों ने देख लो मुझे, मैंने टॉयलेट लेने की उनसे इजाज़त ले करके गया और वो मुझे वहाँ से छोड़ करके वापस चले गए, और वो अभी बाराबंकी पहुंचने वाले हैं। और अब बताओ मैं वहाँ उनके पास कैसे पहुंचूं? चलो ठीक है, कांटेक्ट कर लेते हैं, कोई तो आज के ज़माने में कोई इतना हेल्प करने वाला थोड़ी है। तो अब वो ना वापस आ करके मुझे, मैं अपने तरफ से ऑटो करके जा रहा हूँ। अच्छा अभी इधर आप पहुँच गए ना, एक मिनट। तो हम BVD पहुँच चुके हैं और अभी उसका वेट कर रहे हैं, फ़ोन लगा रहे हैं उसको, भैया के फ़ोन से फ़ोन लगा रहे हैं। आप भी देखो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर अगर कुछ गलत हुआ, मेरा पूरा लगेज उसमें है, तो भाई देख लो एप्लीकेशन डालूंगा जिंग बस वालों के ख़िलाफ़ में। मैं कोई जाहिल आदमी नहीं हूँ इतना सोच कर। तो भाई यहीं पर देख लो खड़े होकर वेट कर रहा हूँ उस बस वाले का, ये बाबू बनारसी दास। तो इसी के पास में हम खड़े हुए हैं और उसका वेट कर रहे हैं। देख लो ऑटो वाले आए भैया, वो बोल रहा था कहाँ आने के लिए, साईं राम ढाबे पे। और अभी वो पहुँचा भी नहीं, हम BVD पे ही रुके हुए हैं, अभी वो तक पहुँचा नहीं। मतलब बात कर रहे तो भी फ्रॉडी कर रहे हैं आगे ही। हाँ मतलब आने दो, हम पहुँचा दिया। आ गया भाई बस वाला आ गया। ड्राइवर साहब आपसे बताया था कि नहीं बताया? बाथरूम ही करें, चलिए अंदर चलिए। तुमने भी लेट कर दिया, चलिए अंदर। लेट बिल्कुल नहीं, अरे अंदर चलिए, लेट हो रही है। इसका भाड़ा पे करो पहले। कौन पे करे? आप करो। आप हमसे बता कर गए थे क्या? अरे यार इनसे बताया था नहीं, आपके आदमी नहीं है? अंदर चलिए, हम भाड़ा क्यों? आपके आदमी है कि नहीं है? हमारे हैं, हम भाड़ा क्यों पे करेंगे? देख लो भाई ये जिंग बस वाले हैं और इस तरह से करते हैं। मतलब इन्होंने कहा था कि चलो ठीक है जाओ मैं रुकता हूँ, और ये लोग रुके नहीं थे। ये मतलब ऐसा थोड़ी होता है, इतनी सारी पब्लिक बैठी है, इनसे मैं पूछ करके गया था इनके ड्राइवर से, और ये कह रहे पूछे ही नहीं थे। टॉयलेट कोई एक मिनट का होता है क्या? दो मिनट रुकने में इनका क्या जाता था यार? तुम बता रहे हो तुम ढाबे पे जाओ, तुम जहाँ थे वहीं रुक जाते, मेरा काम भाड़ा कम लगता है ना, 350 रुपया लिया है उसने ऑटो वालों ने। तुम्हें मजाक लगता है सब कुछ? अरे यार उतर क्या जाओगे, ड्राइवर को तुम्हारे बताया, वो तुम्हारा आदमी नहीं है क्या? तुम नहीं थे वहाँ, तुम्हारे आदमी को तो बताया था ना। देखो ज़्यादा कानून मत चोदो, ठीक है ना, एप्लीकेशन डाल दूंगा, रह जाओगे जहाँ के तहें।
सब्र कर रहा हूँ तो बस चुपचाप बैठे रहो, और ना देख लो भाई इस वीडियो को शेयर करना, ये जिंग बस वाले हैं। नहीं बैग मेरा ही है, आप थोड़ा इधर आ जाओ, मैं उस पर बैठ जाता हूँ। मैंने उस ड्राइवर से पूछा कि भाई मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, रुकोगे थोड़ा? तो बोल रहा हाँ रुक जाओ, उसको कौन रोक सकता है, मतलब टॉयलेट को कौन रोक सकता है। तो मैंने कहा चलो रुक जाता हूँ, मतलब जाता हूँ आ जाता हूँ दो मिनट, उसने में ये चले गए, मजाक बना के रख लिए हैं यार। चल इसको नीचे रख दे। भाई बस्ती से बाईपास से पहले ही उतर गया हूँ, और बाईपास यहाँ से लगभग 500 मीटर है, तो पैदल ही चला जा रहा हूँ। ऑटो वालों से पूछा तो 50 रुपया 100 रुपया मांग रहे, और चश्मा मेरा बस में ही छूट गया यार। हालाँ बस वालों के ऊपर इतना गुस्सा लगा ना कि क्या बताऊँ भाई, कभी भी इनकी सर्विस को यूज़ नहीं करने लायक है। और टाइमिंग था बस्ती पहुंचाने का 8 बजे सुबह में, साला 9 बजा देता, 9:30 हो जाता, लेकिन पहुंचाया है लगभग 11:30 बजे। अब सोचो कितना लेट है, कितना लेजी। तो यार दिल्ली से बस्ती का सफ़र ना काफ़ी बैड एक्सपीरियंस था, छूट ही गया था मैं तो लखनऊ में ही। हालांकि कुछ पैसे मेरे एक्स्ट्रा लग गए और बस मिल गई। हालाँकि इनको तो भाई ये चाहिए था कि मैं छूट गया था तो उधर ही रुकते, जहाँ ये आगे बढ़े थे बात हो गई थी मेरी, लेकिन ये आगे बढ़ते ही रहे और इस वजह से मेरा चार्ज ज़्यादा लगा। तो मैंने उनको पे करने तो बोला था लेकिन वो नहीं माने भाई। रिंग बस जो दिल्ली से गोरखपुर की तरफ आती है उसको बिल्कुल भी यूज़ करने जैसा नहीं है। हालाँकि सारा सिस्टम ऑनलाइन है, कुछ सुविधाएँ ठीक है अच्छी हैं, लेकिन भाई टाइमिंग से नहीं चलोगे तो, और इस तरह की हरकतें, आपके पास ड्राइवर हैं तो वो पता नहीं कौन से नशे में रहते हैं, अगर कस्टमर पैसेंजर उनको बता के आते जाते हैं तो भी उनका ख्याल नहीं रखते हो, तो फिर आपकी सर्विस को लेने का क्या फ़ायदा। इस वजह से आप उनके सर्विस को इस्तेमाल ना ही करें तो फिर बेहतर है। और अभी मैं बाईपास पे पहुँच जाऊँगा तो वहाँ से गाड़ी पकड़ूँगा बांसी के लिए, तो बांसी पहुंचने के बाद घर जाऊंगा, आराम करूंगा यार, क्योंकि रात में भी सोने नहीं पाया हूं मैं सही से। 200-300 मीटर और होएगा वहां से बस, और लोकल भी गाड़ियां मिल जाती हैं बांसी के लिए। जो ड्राइवर रात में था ना, रात को जो ड्राइवर चला रहा था ना दिल्ली से जो लेके निकला था, वो बंदा सही था। बाईपास के पास आ चुका हूँ मैं, धूप काफ़ी तगड़ी हो रखी है, एकदम पूरी महाराष्ट्र वाले जैसी। तो भाई बांसी की बस मिल गई है, ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा, लगी थी बाईपास पे ही, तो अराउंड 1-1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा मैं बांसी। रुदौली पहुँच चुका हूँ भाई, और बस्ती से बांसी का डिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर है और भाड़ा भी 63 रुपये है, तो अभी 1.25 घंटा हो चुके हैं। चलो भाई साहब फाइनली बांसी की सरजमीन पर आ चुके हैं, और अब भाई का वेट करते, देखें भाई कहाँ हैं, तो वो आए हैं रिसीव करने के लिए, उन्हीं के साथ में चले जाएंगे घर। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, और आप हंसते रहिए मुस्कराते रहिए, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट लोकेशन पर, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।